फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मेरे घर में चोरी किया जहरीला और मुझे मालूम नहीं था, खुद से आके बोला कि आपा मैंने तुम्हारे घर में 3 जन को लेके चोरी किया और चलो तुम्हारा सामान देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर हम समाज में जो गतिविधियां होती है, जो हो रहा है, वो अक्सर हम दिखाया करते हैं। अम्बुजवाड़ी के इलाके में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम जहरीला है। वहाँ के लोगों ने उसे पकड़कर मालवनी पुलिस स्टेशन में लेकर आए हैं कि वो लोगों के यहाँ पे चोरी करता है और चोरी करने के बाद जिनके घर में चोरी करता है उनसे भी जाके पैसे मांगता है कि अगर आपका सामान चाहिए तो आप मुझे पैसे दो और मैं आपका सामान रिटर्न दूंगा। तो यहाँ के जो 20 से 25 लोग हैं मालवनी पुलिस स्टेशन आए हुए हैं इस चोर को पकड़ के लेकर, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। उस चोर पे क्या कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई और डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया, उसको दिखाएंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो इसे पकड़ के लाए और उनका क्या कहना है। आप भी हमें किसी भी तरह का कहीं से भी वीडियो बना के दे सकते हैं जो हमारे चैनल पर चलाया जाएगा, या आपके एरिया वाइज जो भी पत्रकार होते हैं उनसे कहकर उनके रिलेटेड चैनल पर चलाया जाएगा। धन्यवाद। मराठ मालोनी की अम्बुजवाड़ी से कुछ महिला वृद्ध लोग आए हैं, 40-50 की तादाद में महिला लोग हैं। इनके सबसे बड़ी समस्या है कि इनके चाली और बस्तियों में चोरी का बहुत ज़्यादा जो आतंक मचा हुआ है। यहाँ पे मालोनी पुलिस स्टेशन में इन लोग आए अपना कंप्लेन करने के लिए। इंजीनियर साहब, हम लोग को आश्वासन दिए कि जो भी आपका तकरार है, जो भी तकलीफ है या परेशानी है, आप ड्यूटी ऑफिसर को बताइए, ड्यूटी ऑफिसर आपकी कार्रवाई करेंगे। बातचीत में मेरा नाम धनी भाटी है। तो सर, ऐसा है ना, ये वहाँ अम्बुजवाड़ी जनता है जो काफ़ी परेशान है, और ये इन्होंने कितनी बार मुझे बोला, मैंने इग्नोर किया, मैंने टाइम नहीं दिया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि कोई हादसा हो जाएगा, कोई मर जाएगा तो अच्छा नहीं, हमारे अफसोस होगा। मैं सोच के तो कैसा हो गया ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लोगों को डेली चोरी हो रही है और चोर लोग दिन दहाड़े चोरी भी कर रहे हैं और जो भी जो देखता है उनको धमकी भी दे रहे हैं। अगर वो कुछ पता पकड़ेंगे या चौकी में आएंगे तो अगर वो लोग कंप्लेन देने आएंगे ना, उनको मारा जाएगा, उनको उल्टा केस बताया जाएगा। तो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो प्रशासन है, उनको जनता को। मैं नाइट में आ रहा था गाड़ी चला के सर, और महाराज मेडिकल के पास एक लड़का खड़ा था, वो बताया अपना नाम बताया कि मैं इधर का दादा हूँ और मैं मुझे मारा भी, मेरे मोबाइल छीनने का कोशिश किया और मेरा पैसा भी छीनने का कोशिश किया। और उसके बाद में मैं जब शोर गुल किया तो वो भाग गया। उसके बाद में मैं गया घर पे, सुबह मैं आया चौकी में, एमसी लिखवाया हूँ, और एमसी लिखने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसको पकड़ के लाऊँगा, तुम जाओ अपना काम करो। आप लोग बोलो, इतने चोर हो गए कि रास्ते में जाए, रास्ते में पकड़ते हैं, मारते हैं, मोबाइल पैसा सब छीनते हैं, धमकी देते हैं, गली में आके धमकी देते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, ताला तोड़ के सब चोरी कर लेते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने आओ, तू लोग भी कुछ सही से नहीं दे जवाब देते हैं, बोलते हैं हाँ चलो देख लेंगे, देख लेंगे, कुछ नहीं देखते। चोर पकड़ते हैं सुबह में, रात में छूट जाते हैं, रात में चोरी करना चालू कर देते हैं। हम लोग की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसके लिए कुछ आप लोग करिए। मेरा नाम हिना जावेद खान है। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? मेरे घर में चोरी किया जहरीला और मुझे मालूम नहीं था, खुद से आके बोला कि आपा मैंने तुम्हारे घर में 3 जन को लेके चोरी किया और चलो तुम्हारा सामान देता हूँ। 3 दिन तक क्या इधर उधर भटका रहा है तो मुझे इधर उधर, इधर आओ दे रहा हूँ, उधर आओ दे रहा हूँ, दूसरे घर में दे रहा हूँ, दे दे करके तीसरे दिन नहीं मिला तो मैं उसके घर पर जाने लगी। तो मुझे रास्ते में मिला तो बोला आओ घर पर देता हूँ। जब घर पर गई तो उसकी खाला नरगिस, उसकी नानी, वो तीनों चारों जन मुझे मिल के मारे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल।